मी टू मूवमेंट के तहत एक और बड़ा नाम सामने आया है एंड दैट इज राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी पर लगे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम। लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी हियर। राजकुमार हिरानी पर एक वुमन ने लगाया है सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन। इस डेली को दिए इंटरव्यू में इस वुमन ने बताया कि उसने 2018 में फिल्म संजू के दौरान राजकुमार हिरानी की असिस्टेंट के तौर पर काम किया था और मार्च एंड सितंबर 2018 के बीच राजकुमार हिरानी ने उसे कई बार सेक्सुअली अब्यूज किया। शी डिटेल्ड हर एलिगेशंस इन एन ईमेल डेटेड नवंबर 3, 2018 टू हिरानीज फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर एंड संजू को प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा। इस इशू पर राजकुमार हिरानी की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए इस मामले को झूठा बताया है। स्टेटमेंट में लिखा है, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड when these allegations were brought to my notice about 2 months back. I had suggested immediately that it is essential to take this matter to any committee or any legal body. The complainant has chosen to go to the media instead. I want to very strongly state that this is a false, malicious and mischievous story being spread by the sole intention of destroying my reputation. तो जैसा कि आपने स्टोरी में देखा, मीटू मूवमेंट के तहत राजकुमार हिरानी के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस सामने आया है। केस जिन्होंने किया है वो राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म संजू में काम कर रही थी। उनके हिसाब से वो राजकुमार हिरानी के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रही थी और पहली बार मिस्टर हिरानी ने 9 अप्रैल 2018 के दिन उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया जब वो प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैठे थे, मीटिंग के लिए बैठे थे उनके घर के ऑफिस में। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर हफिंगटन पोस्ट इंडिया ने ये स्टोरी कैरी की है एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि नवंबर 3 को उस कंप्लेनेंट ने, अक्यूजर ने ईमेल डाली थी टू विधु विनोद चोपड़ा, टू अनुपमा चोपड़ा, टू अभिजात जोशी जो संजू के राइटर है, शैली चोपड़ा को जो मिस्टर चोपड़ा की सिस्टर है। नवंबर 3 को ये मामला कंप्लेन हुआ था और काफी एक्शंस भी वहां पर लिए गए थे बट नोबडी इन द मीडिया गॉट टू नो अबाउट इट। Yes, a few blind articles were out, but did not know that it was Rajkumar Hirani. Of course, it's a big name, and it took almost 2 months for this story to come out in public, where we are sitting and discussing right now about the details. For our viewers, jinko nahi pata, Kunal said ki us complaint mein ye likha gaya hai that Sanju ke post production ke dauran un par sexually assault kiya gaya. Complaint darj ki gayi. Anupama Chopra has had offered help. She met the complainant twice, aur complainant unke ghar pe do दिन भी रही ताकि दे विधु विनोद चोपड़ा एंड अनुपमा चोपड़ा वांटेड टू मेक श्योर दैट शी गेट्स ऑल द सपोर्ट दैट शी नीडेड। बट सागा, यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, जब अनुपमा चोपड़ा उनके घर वो 2 दिन रही, उन्होंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की, नंबर्स दिए कि इफ यू वांट टू कांटेक्ट एन एक्सपर्ट, आप उनसे बात करना चाहते हो करो। बट सागा, यहाँ देखने वाली बात यह है कि उनकी कंपनी में कोई ICC कमेटी नहीं थी, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। गवर्नमेंट का एक रूल है, अगर किसी भी इंसान के अंडर, किसी भी इंप्लॉयर के अंडर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, आपकी कंपनी में एक ICC कमेटी होना मस्ट है। लेकिन जब इस लड़की को कोई दिक्कत थी उस समय कंपनी में कोई ICC कमेटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कहीं कंप्लेन करने नहीं जा पाए। एब्सोल्युटली। और इसलिए मी टू मूवमेंट इतना जरूरी हो गया है फॉर वुमेन हु वांट टू स्पीक अप, बिकॉज़ पहले 2 महीने पहले तक देयर वर नो कमिटी जहां पर आप जाकर कंप्लेन भी दर्ज कर सको। एंड इफ इट हैपेंस वेयर योर बॉस हैज सेक्सुअली असॉल्टेड यू, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। बट यहां पर इट वाज रियली नाइस ऑफ मिस्टर चोपड़ा टू टेक सम एक्शन हियर। मुन्ना भाई 3 वी हियर इज ऑन होल्ड बिकॉज ऑफ दिस, स्टिल दे वेटिंग फॉर राजकुमार हिरानी की अगर क्लीन चिट मिले तो वो आगे बढ़ेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, राजकुमार हिरानी ने सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताए हैं।